तो जैसा हम लोग जानते हैं कि साइन थ्री थीटा को क्या लिखते हैं हम लोग, साइन थ्री थीटा होता है 3 sin θ - 4 sin³θ, ठीक है। तो वहां से साइन क्यूब थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, 3 sin θ - sin³θ होल अपॉन 4, और यहाँ थीटा क्या है, 2x + 1 है। तो इट कुड बी रिटेन एज ए, क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से, दैट इज 3 sin θ मतलब 2x + 1, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, -sin³θ, मतलब जो भी एंगल है उसका 3 टाइम्स, तो 6x + 3 और होल अपॉन क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, ठीक है, दैट इज dx। अब ये पूरा इंटीग्रल है ना दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से। पहले इस 4 को बाहर कर लेते हैं, तो मान लीजिए 1/4 यहाँ पे आ गया, यहाँ से हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। अब इंटीग्रल चूंकि लीनियर ऑपरेटर होता है तो इसको अलग ऑपरेट करेगा, इस वाले पार्ट को अलग ऑपरेट करेगा, तो इट बिकम कितना हो जाएगा आपका, इसके साथ ये 4 1/4 मल्टीप्लाई होगा, तो इट बिकम 3/4, और वो भी बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, आ जाएगा आपका साइन ऑफ 2x + 1 dx, है ना। और फिर 1/4 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो वहाँ इंटीग्रल के बाहर रखेंगे हम लोग, 1/4 इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ 6x + 3 dx, ठीक है। तो ये दो इंटीग्रल आपको ऑपरेट करने हैं, क्या हो जाएगा इसका, साइन का इंटीग्रल क्या होता है, -cos होता है, तो इट बिकम -3/4, ठीक है, और cos ऑफ 2x + 1, और जो x का कोफिशियंट है वो 1 अपॉन में आएगा, अपॉन 2 आएगा, है ना, ठीक, -1/4, फिर ये यहाँ से भी माइनस में आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos ऑफ 6x + 3, अपॉन क्या हो जाएगा, x का कोफिशियंट जो भी था 6, वो नीचे आ जाएगा, और प्लस एक इंडेफिनिट कांस्टेंट c हो गया। थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, ये 4 2 जा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो यहाँ 3/ हम क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ 24 हो जाएगा, तो दैट इज 24, तो दैट इज योर फाइनल आंसर फ्रॉम दिस मेथड। लेकिन समस्या ये है कि जो हमने पहले मेथड में बताया था, क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें तो आंसर दूसरा आ रहा था, और इसमें आंसर दूसरा आ रहा है, क्या ये गलत है या ये सही है, ये आप अपने जिनसे भी पढ़ते हैं, जो मेंटर आपके हैं, उनसे आप पूछ के नीचे कमेंट करिएगा, ठीक है।